हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज डेट है 24 अक्टूबर। कल का निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। कल डेट है 25 अक्टूबर। तो सबसे पहले सीपीआर का एनालिसिस देखते हैं, उसके बाद में लेवल्स के ऊपर आऊँगा। सीपीआर के साथ साथ मैं डेली टाइम फ्रेम जो कुछ भी रहेगा उसका भी एनालिसिस अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। सीपीआर क्या बोल रहा है? सीपीआर नैरो है। नैरो मतलब ये जो है इसे वाइड 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 बोलते हैं, और ये तीनों लाइन चिपक के इसका मीनिंग होता है नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर का आसान भाषा में बताओ तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट एक कल बड़ा मूवमेंट देगा। मार्केट में बड़ा मूवमेंट कब आता है? जब मार्केट R1 और S1 का ब्रेकआउट देता है, एक तो R1 के ऊपर नहीं तो S1 के नीचे जाता है, तब मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये सीपीआर के भरोसे बोल रहा हूँ। तो जैसे मैंने कल मेंशन किया था, परसों मेंशन किया था कि वाइड सीपीआर है, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, अभी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। कल जो कुछ भी करोगे, परफेक्ट ट्रेड करोगे, उसमें बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो कल का निफ्टी का प्लानिंग प्लानिंग आप लोगों का 30-40 रुपीज़ का मिनिमम होना चाहिए। बैंक निफ्टी का उसके डबल होना चाहिए। तो कल ट्रेड में जो कुछ भी घुसोगे तो वहाँ से भागना नहीं है। 5 रुपये मिला, 10 पॉइंट मिला, 1,000 रुपये मिला, डेली का टारगेट मिस हुआ, कंप्लीट हुआ, तो ऐसा कुछ सोचना नहीं है। तो कल के लिए एनालिसिस थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? तो डेली चार्ट भी अगर आप देखोगे निफ्टी का, तो इसमें भी क्लियरली दिख रहा है कि कन्फ्यूजन है। ऊपर भी मारा मारी है, नीचे भी मारा मारी है। तो ये जब मारा मारी वाला सिनेरियो मार्केट में होता है तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक मार्केट आउट ऑफ द रेंज नहीं जाता, आप लोगों को मतलब हम लोगों को एज अ ऑप्शन बायर वहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये लेवल के ऊपर फोकस करो। बाकी मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं करूँगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, वहाँ से नीचे आएगा, ये किसी का कुछ हाथ में नहीं होता। कल ओनली एंड ओनली रेंज ब्रेकआउट ट्रेड्स आप लोगों को लेने हैं। जो कुछ भी ट्रेड में जाओगे उसमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। बैंक निफ्टी का सीपीआर क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी का सीपीआर डांस कर रहा है। डांस कर रहा है मतलब एक दिन ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया। तो बैंक निफ्टी का सीपीआर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का सीपीआर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में है। तो बैंक निफ्टी कल के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक पैटर्न मिलेगा। सीपीआर में टेम्पररी गायब कर रहा हूँ, एक 30 मिनट्स का मैं अगर एक प्रॉपर ये लेवल ऐसे ड्रॉ करूँ तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पैटर्न बन रहा है। ओके, ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट कब आएगा? अगर बैंक निफ्टी 51,600 के ऊपर आप लोगों को दिखा तो ये जोन में एक अच्छा खासा बाइंग का आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। टारगेट्स आपके रहेंगे टारगेट नंबर 1 और टारगेट नंबर 2, ये दोनों टारगेट्स आप लोगों के बैंक निफ्टी में रहेंगे। गलती से किसी का कुछ पुट बीट लेने के लिए प्लान रहेगा तो अगेन यहाँ पे और एक ये वाला पैटर्न ऐसा बन रहा है, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में दोनों जगह पे ट्रेंड लाइन वाले पैटर्न्स है। ये जो बैंक निफ्टी का जोन है इसमें आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो फंसने के चांसेस है। ये जोन मतलब 51,400 से लेके 51,000 ऑलमोस्ट 250 के आसपास, ये जो कुछ भी जोन रहेगा इसमें आप लोग ट्रैप होने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कल ब्रेकआउट पे अटेम्प्ट लेना है। जहाँ पे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास ट्रेड लेने के लिए जाओगे तो कुछ ज़्यादा हाथ में नहीं आएगा, तो ये सोच के कल ट्रेडिंग करो। कल है फ्राइडे, मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता, फिर भी आप में से किसी को ट्रेड करना है तो क्लियरली बोल रहा हूँ, रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप लोग ट्रेड करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। बाकी आप लोगों का जो कुछ भी सेटअप रहेगा इसमें आप लोग अटैच कर सकते हो। बहुत सारे मेंबर्स 20 पेड मूविंग एवरेज वीवैप वीवैप और बहुत सारी चीज़ें मैच करते, तो अगर इसमें आपको कुछ अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हो। ये मैंने निफ्टी का बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताया। अभी मेरे लेवल्स के ऊपर आते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी लेवल्स आप लोगों को दिख रहे ये सब लेवल्स बैंक निफ्टी के हैं। प्रॉपर लेफ्ट साइड में देख देख के मैंने लेवल्स निकाले। बहुत सारे मतलब एक दो कमेंट्स आए थे कि ब्लाइंडली कहाँ पे भी मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ, ऐसा कमेंट्स आए थे। उनका भी सही है क्योंकि मेरे लेवल्स ढूंढ के भी मतलब बहुत कुछ भी ट्राई करोगे तो एग्जैक्टली मेरे जैसे लेवल्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो कंसिडर करना है तो आप लोग कर सकते हो कि मैं ब्लाइंडली कहाँ पे भी लेवल ड्रॉ करता हूँ, लेकिन पैसा कमाना है तो एक दो हफ्ता मेरे लेवल्स पे ट्रेड करके देखो। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ये लेवल आसमान से आते हैं, ब्लाइंडली आते हैं या फिर लॉजिकली आते हैं, ठीक है? तो ये बैंक निफ्टी के लेवल से और ये निफ्टी के लेवल से अपने अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करो। बेसिक कैंडल स्टिक्स पैटर्न, बुलिश हैमर, बेरिश बार, ये कैंडल्स देख के आप लोग वहाँ पर ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? तो यही है कल का एनालिसिस। इससे ज़्यादा मैं कुछ कन्फ्यूजिंग आप लोगों को बताऊंगा नहीं। और मुझे कुछ कन्फर्मेशन वाला ट्रेड कल कुछ मिला तो मैं आपके साथ कल टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिलेगा। किसी को मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करना है तो आप लोग लाइक कमेंट करो, और ब्रोकर के साथ जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट दिए वहाँ पे आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग के लिए इनविटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक वीडियो देखा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। अभी हम लोग मंडे मिलेंगे। बाय बाय।